और ये बीजेपी है जिसने द्रौपदी मुर्मू जी को देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है। दलितों के सम्मान के लिए भी बीजेपी बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़े पंचतीर्थों का विकास कर रही है। लेकिन भाइयों बहनों, दूसरी ओर टीएमसी जैसी पार्टी है जो दलित आदिवासी महिलाओं को अपना बंधक बनाकर रखना चाहते हैं। इसी बालूरघाट में तीन आदिवासी महिलाओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया था तो टीएमसी के गुंडे वहां आ धमके थे। टीएमसी के लोगों ने उन महिलाओं को घुटनों के बल बैठाकर माफी मांगने को मजबूर किया। टीएमसी को लगता है कि दलित आदिवासी गरीब अपनी मर्जी से चलने के लिए आजाद नहीं है, लेकिन ये चुनाव इन्हें बताएगा कि बाबा साहब आम्बेडकर के लोकतंत्र में दलित, वंचित, आदिवासी टीएमसी के गुलाम नहीं है और नहीं रहेंगे। आदिवासी महिलाओं को घुटनों पर बैठाने वाली टीएमसी, ये पूरी की पूरी टीएमसी जल्द ही घुटनों पर आ जाएगी।